बरसात के मौसम में बिल्कुल भी ना खाएं। मानसून का सीजन दस्तक देने वाला है। इस मौसम में अगर सेहत का ख्याल रखा ना जाए तो गंभीर बीमारी की चपेट में आने का डर रहता है। तपती गर्मी के मौसम के बाद लोगों को मानसून का इंतज़ार रहता है। बारिश और सुहावने मौसम के साथ मानसून में इन्फेक्शन और बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में अगर खाने पीने की चीज़ों को सोच समझ कर नहीं खाया गया तो इन्फेक्शन का डर होने का खतरा रहता है। कई ऐसी सब्जियां हैं जो सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं, लेकिन बरसात के मौसम में डॉक्टर इन सभी सब्जियों से दूर बनाने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं बरसात के मौसम में आपको किन सब्जियों से दूरी बना लेनी चाहिए। बरसात के मौसम में किन सब्जियों से परहेज करना चाहिए। बारिश का मौसम के आते ही हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी से दूरी बना लेनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में हरे रंग के छोटे छोटे कीड़े होने लगते हैं, जिन्हें ध्यान से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। बरसात में फूल गोभी और पत्ता गोभी भी नहीं खानी चाहिए। इनमें छोटे सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं जो हमारी नज़रों की पकड़ में नहीं आते हैं। मानसून में पोषक तत्वों से भरपूर मशरूम से भी दूरी बना लेनी चाहिए। मशरूम खाने से इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है। इन्फेक्शन के कारण पेट दर्द और उल्टी की समस्या भी हो सकती है। बरसात के मौसम में सब्जियों की कच्ची सलाद नहीं खानी चाहिए। हमेशा सब्जियों को पकाकर ही खाएं। कच्ची सब्जी आपको पेट संबंधी बीमारी दे सकती है। बारिश के मौसम में शिमला मिर्च भी नहीं खानी चाहिए। शिमला मिर्च में भी कीड़े होने की संभावना रहती है। मानसून में इन सब्जियों के सेवन से आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद छोटे छोटे कीड़े आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं। बारिश के मौसम में हल्का खाना भी खाना चाहिए और शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। मानसून में आप करेला, घिया और तोरी की सब्जी को डाइट में शामिल करें। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें कमेंट ज़रूर से करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।